महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना करने के लिए देश के कई हिस्सों में शुक्रवार की सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब भगवान शिव के मंदिरों में उमड़ पड़ा। लिहाजा इंदौर में भी महाशिवरात्रि को लेकर गेंदेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भक्ति देखने को मिली। इस अवसर पर कैनन की टीम ने मंदिर में श्रद्धालु से बात की, मंदिर के पंडित से बात की और शिव के बारे में कुछ खास बातें जानी। देखे इस स्पेशल रिपोर्ट में। दुकान का शोर नहीं था एक यार। काफ़ी लंबी कतार लगी हुई है, हम यहाँ की कतार में आए, लोगों से भी जानते हैं कि उनकी क्या भक्ति है शिव को लेकर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भारती व्यास, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त। सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर मैं आपको एक श्लोक सुनाना चाहती हूँ। त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुक्मिव वंदना मृत्युर्मोक्षी यमरामृता। अर्थात जो भी शिव की आराधना करता है उसे सिर्फ और सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मैं इस वक्त इंदौर शहर के सबसे बड़े शिव मंदिर में खड़ी हूँ और आप खुद मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर और लोगों में कितना उत्साह है, कितनी भक्ति है और कितने लोग भक्ति में लीन हैं। इसी के साथ हम लोग यहाँ पर आई जनता से बात करेंगे और उनसे जानेंगे शिवरात्रि स्पेशल पर क्या खास किया है उन लोगों ने और उनकी कितनी भक्ति है, कितनी आराधना है शिव को लेकर। मंदिर के पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, आपका नाम क्या है? पंडित विश्वजीत शर्मा। अच्छा, शिवरात्रि के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे शिव के बारे में? महाशिवरात्रि भगवान भोलेनाथ का विशेष त्यौहार होता है। ऐसे शिवरात्रि का महत्व अपने आप में बहुत विशेष माना गया है, क्योंकि जो भक्तगण साल भर भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं कर सकते वो केवल शिवरात्रि पर आकर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक, दूध अभिषेक करते तो साल भर पूजा करने का उनको फल प्राप्त होता है। आज के दिन भगवान भोलेनाथ का शिव विवाह महोत्सव मनाया गया था। आज जो भी कुंवारी कन्या यहाँ पर शिवालय पर आकर भगवान भोलेनाथ को दूध एवं जल से अभिषेक करती है उसको अच्छे वर की प्राप्ति होती है। अच्छा पंडित जी, शिव जी के बारे में कुछ थोड़े से श्लोक बताए। जो भक्तगण आज मंदिर परिसर में नहीं जा सकते या किसी कारणवश नहीं जा पा रहे, पहुँच पा रहे भीड़ के कारण, तो वो अपने घर पर बैठकर भी भगवान भोलेनाथ की
पूजा कर सकते हैं, वो ओम नमः शिवाय के मंत्र का उच्चारण करें और उनको बिलपत्र हो तो बिलपत्र चढ़ाए, अक्षत हो तो अक्षत चढ़ाए। भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं, वो सिर्फ श्रद्धा के भूखे हैं। अगर आप जिसके पास कोई सामग्री भी नहीं हो तो भी अगर वो श्रद्धा से अपने आप को अर्पित करता है भगवान के पास में तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। सब देवताओं में एक भोलेनाथ ही कैसे है जो हर त्रुटि को माफ़ करते हैं, हर चीज़ को माफ़ कर देते। तो मेरे भक्तों से अनुरोध है, ये जो आज का दिन आया है महाशिवरात्रि का, ये अगले साल ही आएगा, इसलिए आज जो भी भक्ति कर सकते हो आप भक्ति करें और साल भर पूजा करने का फल प्राप्त करें। एक छोटा सा श्लोक बोलिए। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्करा यच नमः शिवाशिवतराय च, ये शिव जी का श्लोक है। अगर ये मंत्र किसी को नहीं आता है तो वो ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बंधनान् मत्योर्मुक्षीय मामुतः ओम स्वः भुवः भूः ओम सः जूम होम ओम। इस मंत्र का जाप करके भी भगवान भोलेनाथ की पूजा कर सकता है। आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण का बहुत महत्व होता है। जो भी अपनी मनोकामना पूरी करना चाहता है वो रात में भगवान भोलेनाथ का पूजन करता है। आज के दिन विशेष तौर पर माँ पार्वती जी ने शिव जी का पूजन किया था और मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक किया था। पार्थिव पूजा का बहुत विशेष महत्व होता है आज के दिन पूजा करने का। जो भी अपनी मनोकामना से पार्थिव शिवलिंग बनाता है, उसका निर्माण करता है और उसका पूजन करता है, उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। क्योंकि शिव पुराण में उल्लेख है कि जब पार्थिव पूजन जहाँ भी होता है एक पल एक घटी के लिए शिव जी में अवश्य आते हैं। तो मेरा भक्तों से अनुरोध है शुद्ध मिट्टी लेकर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग का निर्माण करें और जो कुंवारी कन्या है वो वर की प्राप्ति के लिए और जो सुहागन कन्या है लेडीज है वो अपनी वर की लंबी उम्र के लिए पूजा करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे यहाँ पर शिव विवाह महोत्सव 5 दिवसीय रूप में मनाया जाता है। जिस प्रकार शादी होती है उसी प्रकार से हम गणेश पूजन माता पूजन हल्दी मेहंदी की रस्म करते हैं। आज भगवान शिव जी का 4था दिन है शिव विवाह महोत्सव का, जिसे भगवान भोलेनाथ की महाभस्म आरती की गई जो कि उज्जैन के बाद केवल अपने शिवधाम मंदिर पर ही की जाती है। और रात्रि 8 बजे भगवान भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाएगा और विशेष तांडव आरती की जाएगी जो केवल 1 घंटे तक एक पैर पे आरती की जाती है। मेरा भक्तों से अनुरोध है इस तांडव आरती में पधारे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय। पंडित जी आपको शिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस शिवरात्रि पे कुछ शिव भक्त भी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। सर शिवरात्रि स्पेशल क्या बोलना चाहेंगे? मतलब यहाँ पे हर साल ऐसे ही शिवरात्रि मनाई जाती है, बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। मैं 20 वर्षों से इंदौर में रह रहा हूँ, देख रहा हूँ 20 वर्षों से यहाँ बहुत धूमधाम से शिवरात्रि मनाई जाती है। ऐसी शिवरात्रि में शायद कोई मंदिर में देखता हूँ जो इस मंदिर में शिवरात्रि मनाई जाती है, बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, उसमें बहुत बहुत धूमधाम। आपने व्रत रखा है शिवरात्रि जी? शिवरात्रि का व्रत भी रखते हैं ना? जी मैडम व्रत रखता हूँ मैं, शिवरात्रि में रखता हूँ, सोमवार का भी रखता हूँ। धन्यवाद। शिवरात्रि स्पेशल है और युवतियाँ भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या बोलना चाहती हैं? यही बोलना चाहते हैं कि आज सुबह से जैसे तो ऑफिस खत्म करके महादेव जी के दर्शन करने आए हैं, सुबह से बहुत लंबी भीड़ लगाई, कम से कम 15-20 मिनट पर दर्शन हो गए, आखिरकार अच्छे से हो। शिव जी का व्रत रखते हो? कैसा फील होता है, अच्छा वर्ड ढूंढने के लिए या फिर ऐसे ही? दोनों के लिए। आप कुछ बोलेंगे? ये मैं यहाँ पे सेकेंड टाइम आई हूँ इंदौर में, भगवान जी का मंदिर बहुत ही अच्छा टेम्पल है एंड लोगों की इतनी श्रद्धा है, इतना पीपल्स की इतनी श्रद्धा है, देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आज की जनरेशन में भी लोग भगवान को इतना मानते हैं एंड सब कुछ बहुत अच्छा है। टेम्पल का डेकोरेशन और काफ़ी देख के बहुत अच्छा लगा है, भगवान बहुत फेमस है इसलिए हम लोग भी यहाँ दर्शन किए हैं। अच्छा शिव जी का कोई मंत्र आता है आपको? शिव जी का ओम नमः शिवाय जो कि महाकालेश्वर में बोला जाता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और कोई सा मंत्र? और कुछ सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, फेमस है, काफी लोग आए हैं। नहीं मंत्र जैसे वो त्र्यंबकम यजामहे, त्र्यंबकम यजामहे, बाकी ज्यादा नहीं आता बस। रंगीन महिलाएं भी मौजूद है, क्या बोलना चाहेंगे आप शिवरात्रि स्पेशल पे क्या बोलना चाहेंगे? शिवरात्रि के दिन शिव का विवाह हुआ, शिवरात्रि के दिन शिव का विवाह हुआ इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। जो शिवरात्रि करते हैं वो तो है लड़की के पक्ष के, पार्वती के पक्ष के रहते हैं, और जो नहीं करते हैं वो भोलेनाथ के पक्ष में रहते हैं। जो नहीं करते हैं वो भोलेनाथ के पक्ष में रहते हैं, जो करते हैं वो पार्वती के पक्ष में रहते हैं। घर और वर
दोनों के हिसाब से, जो नहीं करता वो खुशी मनाता है, वो करता है वो शिव की उपासना करता है, उपास करता है और ये करता है। एक भजन हो जाए। शिवदानी 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 काशी के बसैया भोला शिवदानी, हे शिवदानी 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 हे काशी के बसैया भोला शिवदानी, हे पंडा के खातिर बाबा लंका न गई है, पंडा के खातिर बाबा लंका न गई है, सजदीनी रावण की रजदानी बाबा सजदीनी रावण की रजदानी, हे शिवदानी 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 बाबा काशी के बसैया भोला शिवदानी, हे काशी के बसैया भोला शिवदानी, कावड़िया के खातिर बाबा लंका न गई है, कावड़िया के खातिर बाबा लंका न गई है, रावण की रजदानी बाबा तजदीनी रावण की रजदानी, हे शिवदानी 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 हे शिवदानी 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 बाबा काशी के बसैया भोला शिवदानी, या काशी के बसैया भोला शिवदानी। दादी जी आपका नाम? मेरा नाम लीला दवे, लीला गोपाल कृष्ण दवे। बहुत बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, बहुत अच्छा लगा है। वैसे दादी जी की बात कहें तो सच बोलूँ तो शिव पार्वती के बिना अधूरा है, चाहे कोई भी हो, किसी न किसी रूप में सबको अपनी पार्वती मिल ही जाती है। इसी के साथ बने रहिए, कैमरा पर्सन सचिन के साथ भारती व्यास के इन न्यूज़ इंदौर।